एक विलेज में एक किसान रहता था, बहुत गरीब था। उसके पास बहुत छोटी सी ज़मीन थी जो उसके फादर उसके लिए छोड़ गए थे। उस ज़मीन से जो कुछ भी मिलता था उससे वो खाना ही खा पाता था। बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत प्रेयर्स करने के बाद थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाए तो उसने एक लकड़ी का घर बनाया। उस लकड़ी के घर को बनाने के बाद उसके पास थोड़े पैसे इकट्ठे जब स्टार्ट होने लग गए तो उसकी फैमिली भी स्टार्ट हो गई। वो अपनी फैमिली में बहुत बिजी हो गया। लकड़ी के घर की पहले तो बहुत देखभाल होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी तरफ ध्यान देना बंद हो गया। और उस लकड़ी के घर पे दीमक, टर्माइट्स जो हैं वो लगने स्टार्ट हो गई और उसको ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया उसने। धीरे धीरे करके वो टर्माइट्स वो लकड़ी के घर को ख़राब कर रही थी। तो उस किसान ने थोड़ा बहुत उसकी केयर की कि थोड़ी दवाई डाल दी और फिर उसको इग्नोर कर दिया, बिकॉज़ वो अपनी फैमिली के साथ बहुत बिजी था, अपने काम में बहुत बिजी था। और टाइम इतना गुजर गया कि उस दीमक ने सारे घर को खा लिया और सारा घर वो ख़त्म हो गया। सो इस स्टोरी में बेसिकली वो किसान आप लोग हो और वो दीमक जो है वो कैंसर के सेल हैं और वो घर आपकी बॉडी है। जब शुरू शुरू में आपको कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है ना, लाइक अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, वो क्रॉनिक तक पहुंच जाती है, या आपको एसिडिटी होता है और वो क्रॉनिक बन जाती है। अब बहुत सेडेंट्री रहते हो, लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री रहता है। अब बहुत ज़्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हो, आपका फिजिकली एक्टिविटी जो है बहुत कम है, या आपका स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बढ़ कर कैंसर का रूप ले लेती हैं। मैं यहाँ आपको कुछ फियर नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ कि आपने कुछ गूगल किया था और देखा कि हर चीज़ का एंड रिजल्ट जो वो कैंसर लिखा होता है। मैं आपको आपको यहाँ पर ये सब अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ध्यान नहीं दे रहे हो कि कॉन्स्टिपेशन है या एसिडिटी है, आप सिर्फ पैंटॉप डी ले रहे हो या कोई लैक्सेटिव खा रहे हो और इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, तो वो एक दीमक की तरह आपकी बॉडी को अंदर से टॉक्सिक कर रही है। वो टॉक्सिसिटी जो आपकी बॉडी में है वो आपकी इम्यूनिटी को लो कर रहा है, और हमारे बॉडी में जो एनर्जी सेल्स हैं उनका लेवल ऑफ इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपकी बॉडी का डीएनए लेवल चेंज हो रहा है और आपको कैंसर का प्रॉब्लम तक हो सकता है अगर आपने पहले लेवल तक इसको अगर हमने इसके बारे में अवेयरनेस नहीं लिया। एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में मैं यहाँ पे भी आपको कैंसर के बारे में बताना चाहूँगी जिन लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। एक हेल्दी सेल और एक कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है? एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो सेल होता है, जो हम 8th क्लास में नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ा दिया जाता है, अगर आप नॉर्मल साइंस से थोड़ा सा रिलेटेड हैं तो आपको पता होगा कि सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जो सारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब आप कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट वाली कोई चीज़ आप खाते हो तो क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी कन्वर्ट करता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंड दैट्स अ कॉमन फिनोमिना जो एक हेल्दी सेल में चल रहा है। लेकिन जब आपको कोई कैंसर का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ एनी टॉक्सिसिटी, मे बी आपकी एयर ऐसी है या आपको ऑर्गेनिकली कुछ अवेलेबल नहीं है, केमिकली चीज़ें मिल रही हैं, हमें आजकल पता ही नहीं चलता कि कैंसर कहाँ से डेवलप हो जाता है। तो कोई भी रीजन की वजह से जब आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती है तो उस कैंसेरियन सेल में क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो एनर्जी कन्वर्जन पावर रख सके, और वो क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट किसी भी फॉर्म की जो एनर्जी आ रही है वो जो ग्लूकोज फॉर्म अप करता है, बॉडी एनर्जी फॉर्म अप करती है, उसको फर्मेंट करना स्टार्ट कर देता है और लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन करता है। लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट आपकी बॉडी में क्रिएट करती है। वो लैक्टिक एसिड जो है वो ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ फिर से लिवर में जाता है और लिवर में फिर से ग्लूकोज फॉर्म अप कर देता है। तो फिर से वो विशियस साइकिल बनता रहता है कि ग्लूकोज बना एंड देन अगेन लैक्टिक एसिड बनता रहता है। तो ये साइकिल चलता रहता है और आपके कैंसर सेल जो हैं वो अपने आप आपकी बॉडी को जो है वो खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब हम इस कंडीशन में सोचते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो कीमोथेरेपी या रेडिएशन होना चाहिए, उसमें क्या है, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स बैड थिंग, आपको नहीं करना चाहिए, हमें किसी ना किसी लेवल पे कीमोथेरेपी और रेडिएशन की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन उस केसेस में भी हमारे बोन मैरो पे इफेक्ट होता है जो हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट कर रहा है। नॉट ओनली द स्किन और जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो भी उस टाइम पे इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए जो वो हेयर फॉल होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कीमोथेरेपी। एंड अलॉन्ग विद दैट रेडिएशन की वजह से जो सेल्स वो बर्न करती हैं रेडिएशन, वो हमारे गुड राइट डीएनए को भी बर्न कर देती हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल दीज कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, हमें इनके साथ साथ भी अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फूड है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। तो फूड हमारी बॉडी में जेनेटिकली फ्रॉम द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग से स्टार्ट हो जाता है, जब हम फूड का इन्फॉर्मेशन अपनी बॉडी को देते हैं।
तो जब हमारी बॉडी बीमार है, जब उसके सेल्स फंक्शन नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें उसको गुड फूड प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैंसर कंडीशन के टाइमिंग पे सबसे पहली बात है जो हमने बहुत ध्यान में रखनी है, दैट इज़ वी नीड टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ शुगर। वाई? जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, तो हमने सोर्स जो है ग्लूकोज का किसी भी फॉर्म में शुगर जो है वो हमने कैंसेरियन सेल को नहीं देना है, हमने अपने कैंसर्स को फीड नहीं करना है शुगर के साथ। सो कई बार डॉक्टर जो हैं वो रिकमेंड कर देते हैं कि आप प्रोटीन डाइट की तरफ जाइए, बिकॉज उस टाइम पे मोस्टली कैंसर पेशेंट का मसल मास जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो जो प्रोटीन है, दैट वी नीड नॉट ओनली द नॉर्मल कंटेंट ऑफ प्रोटीन जो हम नॉर्मल इंडिविजुअल को देते हैं, बट वी रिक्वायर्ड अ गुड क्वालिटी प्रोटीन विच इज़ फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ अमीनो एसिड्स। जो हमें कहाँ से मिलता है, दैट इज़ फ्रॉम नट्स से मिलता है, सीड्स से मिलता है, या कोई कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है। सो हमने एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह प्रोटीन फॉर्म अप नहीं करना है, हमने वैसे अमीनो एसिड्स देने हैं जो डेंस न्यूट्रिशन रखें, मतलब हमने स्मार्टली खाना है, नॉट दैट कि कोई भी प्रोटीन का सोर्स लिया और हमने खा लिया। डेंस न्यूट्रिशन वैल्यू मीन, क्योंकि उस टाइम पे अगर बॉडी बीमार है, उसका एपेटाइट नहीं है, आप थोड़ा सा भी बीमार होते हो तो आपका एपेटाइट नहीं रहता, और कैंसर के कंडीशन में तो बंदे का पूरी एनर्जी डाइजेशन में नहीं लग सकती, क्योंकि हमारी 70% ऑफ एनर्जी डाइजेशन में लगती है, और जब कोई बंदा कैंसर की कंडीशन में होगा वो अपनी डाइजेशन जो की एनर्जी यूज नहीं कर सकता, तो हम हाई बहुत जो हैवी फूड है वो नहीं दे सकते हैं। तो डेंस न्यूट्रिशन का मतलब है कि थोड़ा सा भी अगर हम खाएं, स्मॉल पोर्शन में भी खाएं, तब भी उसको न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा मिल जाए। तो कौन कौन से फूड जो है वो हम इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बारे में हम एज अ सोल्यूशन जो है वो बात करेंगे। बेसिकली मैं आपके साथ यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि जो कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन जो है वो ट्रीटमेंट इज़ ओके, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल दी स्टफ, हमें अपने लोअर लेवल पे ही अगर हम अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर लें तो इस कंडीशन तक हमें आना ही ना पड़े। मतलब अपने लाइफस्टाइल में ऐसा रखें जिसमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, एसिडिटी ना हो हमें, एंड हमें बर्थ कंट्रोल पिल्स की तरफ ना जाना पड़े, हमारी बॉडी का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस जो है वो बेटर रहे, तो वहाँ पर फिर हमें कैंसर कंडीशन नहीं देखनी पड़ती। अगर कैंसर कंडीशन होती है तो हमें शुगर को अवॉइड करना है, और प्रोटीन जो है वो डेंस प्रोटीन फॉर्म में देना, डेंस न्यूट्रिशन फॉर्म में देना है, गुड क्वालिटी अमीनो एसिड्स को प्रोवाइड करना है। सो व्हाट आर द फूड्स विच वी कैन इंक्लूड एज इम्यूनिटी बूस्टर फूड, जो मैं आपको एक लिस्ट फॉर्म अप करके दे रही हूँ, दैट इंक्लूड्स आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फॉर्म में जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, क्योंकि कैंसर इज बेसिकली इम्यूनिटी को ही खत्म कर रहा है, तो हमने उसको बूस्ट करना है, उस फॉर्म में आप टर्मरिक डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर, कुक्ड टमाटोज ले सकते हैं, मोरिंगा का पाउडर जो कॉल्ड ड्रमस्टिक का पाउडर होता है उससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनती है, व्हीट ग्रास पाउडर ले सकते हैं। अगर किसी को लिक्विड डाइट पे ही रहना पड़ रहा है तो एंटी ऑक्सीडेंट फॉर्म में ग्रीन टी या कईयों को ब्लैक टी भी रिकमेंड किया जाता है, बट इट डिपेंड्स। एंड बिटर एप्रिकॉट है, या कोकोनट ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, बेरीज हैं, या वी कैन हैव लॉट ऑफ नट्स हैं, सीड्स जिसमें हमारे पम्पकिन सीड्स, सेसमे सीड्स, ये सब चीज़ें सीड्स में आ जाती हैं, जिंजर है, ओमेगा 3 के ये सोर्सेज माने जाते हैं, प्रोबायोटिक फॉर्म भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। So that means we need to avoid a good amount of minerals and vitamins, जिसमें हमारा fat soluble vitamin भी होते हैं, और A, D, E, K, इन सब चीजों को हमने complete form में provide करना है। तो sulfur rich food को हमने add on करना है, because इसकी वजह से हमारी body में hormonal balance होता है, that includes onion है, garlic है, cauliflower है, cabbage है, broccoli है, asparagus है, इन सब चीजों को हम include कर सकते हैं। इसी के साथ साथ body को detoxification की जरूरत होती है। Detoxification means not only कि सिर्फ हम fruit diet पे चले जाएं, basically it's a detoxification of lungs and किडनी, हर तरह का जो आपका 5 एलिमिनेशन ऑर्गन्स है उनकी डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत होती है। तो इस केस में हम मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर हम इसको बॉडी को फास्ट मोड पे लेके जाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग मोड पे लेके जाएं, तो बॉडी जो है वो अपने आप रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज कैंसर सेल जो वो स्टार्व करना स्टार्ट कर देते हैं और खुद ब खुद वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कैंसर के केस में भी बहुत हेल्पफुल होती है, एंड अलॉन्ग विद दैट ऑक्सीजन का सप्लाई होना बहुत जरूरी है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैंसर कंडीशन में योगा एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके लंग्स क्लीन रहे, आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी जो है वो रिमूव हो। सो फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नॉट ओनली विद द कीमो एंड रेडिएशन, हमें अगर फूड के ऊपर भी इंपॉर्टेंस देंगे तो हमें बार बार कैंसर कंडीशन नहीं देखनी पड़ती। अगर आप 6 महीने कीमो कराते हो, फिर आपका कैंसर कंडीशन जो है वो 3 महीने बाद डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, दैट्स बिकॉज आप लाइफस्टाइल जो आपका मेन कॉज है उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो अगर हम उस मेन रूट कॉज के ऊपर फोकस करें कि जिस चीज से कैंसर डेवलप हो रहा था, मे बी आपकी बहुत ज्यादा एसिडिटी की वजह से टॉक्सिसिटी आ रही थी, या कॉन्स्टिपेशन की वजह था, या स्लीप नहीं था प्रॉपर, या स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था, इन सब चीजों के ऊपर हमने ज्यादा वर्क करना है, सो दैट ये कंडीशन हमें ना देखनी पड़े। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।